YouTube चैनल सेवक सिहाल पर आपका स्वागत है। जमानत याचिका में सभी पिछले जमानत आवेदनों और आदेशों के विवरण का उल्लेख करें। पटना हाईकोर्ट ने परिपत्र जारी किया। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पटना हाईकोर्ट ने 2024 का परिपत्र आदेश संख्या 1 जारी किया है, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 और 439 के तहत जमानत आवेदन दाखिल करने और सुनवाई के लिए कड़े दिशा निर्देश पेश किए गए हैं। ये निर्देश, जो तत्काल प्रभाव से लागू होता है, का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR से उत्पन्न होने वाले ऐसे अनुप्रयोगों को संभालने में एकरूपता सुनिश्चित करना है। परिपत्र जारी करना भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने फैसले में की गई टिप्पणियों का पालन करता है। दिनांक 19 जनवरी 2024, आपराधिक अपील संख्या 303/2024 कुशा दुरुका बनाम उड़ीसा राज्य में, विशेष अनुमति याचिका आपराधिक संख्या 12301/2023 से उत्पन्न। निर्देश का उद्देश्य जमानत आवेदनों से उत्पन्न होने वाली जटिलताओं को संबोधित करना है। एक ही FIR, निष्पक्ष और सुसंगत निर्णय सुनिश्चित करना। निर्देश का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन में परिपत्र जमानत आवेदन दाखिल करने वाले विद्वान वकील पक्षों के लिए स्पष्ट निर्देश देता है। विशेष रूप से परिपत्र में जमानत आवेदनों में विशिष्ट विवरण शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा दायर पिछले जमानत आवेदनों और उनकी स्थिति, यदि कोई लंबित है, का उल्लेख भी शामिल है। इसमें ये भी आवश्यक है कि एक ही FIR में विभिन्न अभियुक्तों द्वारा दायर सभी जमानत आवेदनों को उसी माननीय न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए, जिन्होंने पहले आवेदन पर सुनवाई की थी, कुछ परिस्थितियों को छोड़कर। निर्देश न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता के महत्व पर जोर देता है। दस्तावेजीकरण में स्पष्टता और प्रक्रियात्मक मानदंडों के पालन की आवश्यकता। परिपत्र में नए दिशा निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन पर जोर देते हुए कहा गया है, उपरोक्त निर्देशों का अब से ईमानदारी से पालन किया जाएगा। इसके अलावा परिपत्र अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश देता है, जिसमें विशिष्ट अपराध मामले से संबंधित निर्णय या लंबित जमानत आवेदनों का विवरण देने वाली रिपोर्ट संलग्न करने का निर्देश दिया जाता है। इस कदम का उद्देश्य न्यायपालिका को व्यापक जानकारी प्रदान करना है, जिससे सूचित निर्णय लेने में सुविधा हो। जमानत आवेदनों के अलावा परिपत्र CRPC की धारा 482 के तहत आवेदनों पर भी लागू होता है, जिससे लिस्टिंग प्रक्रिया में स्थिरता सुनिश्चित होती है। परिपत्र प्रसार के निर्देशों के साथ समाप्त होता है। परिपत्र को अदालत की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने और न्यायिक अधिकारियों, न्यायाधिकरणों, बार एसोसिएशनों और सरकारी विभागों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच प्रसारित करने का निर्देश देता है। केस का नामक परिपत्र आदेश संख्या 2024 का 1। पटना हाई कोर्ट 1916 के नियम के अध्याय शी के नियम 3A के अलावा आदेश दिनांक 2:03:2024। YouTube चैनल सेवक सिहाल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।